Now next program check the given year is leap year or not. इसके इसमें test करेंगे. Suppose that अगर आपके पास कोई भी year value available in the form of numeric formats like 2000, 2004, 2005, 2006 like that and so on. इस तरह से अगर आपके पास run time पर year value available in year value के basis पर test करें given year is leap year or not. सबसे पहले आपको idea होना चाहिए किस केस में year को leap year consider करना possible. Simply किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने पॉसिबल हैं. देयर आर 12 मंथ्स. आउट ऑफ देम मोस्ट ऑफ मंथ्स के केस में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑलवेज फिक्स्ड है. जैसे जनवरी के रिस्पेक्ट में आते हैं, जनवरी मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 31. सेम एज मार्च, मार्च के केस में नंबर ऑफ डेज कितने हैं मैक्सिमम डेज? 31. अप्रैल कंटेंस 30 डेज एंड सो ऑन. लेकिन अगर पर्टिकुलर केस में फेब मंथ के रिस्पेक्ट में बात करें, किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में फेब मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं, इट इज नॉट फिक्स्ड. मींस किस फेब मंथ में या तो मैक्सिमम 28 डेज पॉसिबल होंगे या फिर 29 डेज, आइदर 28 डेज और 29 डेज. अगर किसी पर्टिकुलर गिवन ईयर के अंदर अगर फेब मंथ में टोटल नंबर ऑफ 28 डेज फाउंड हो रहे हैं, देन इस ईयर को कंसिडर करें, ईयर इज नॉट लीप ईयर. ईयर इज नॉट लीप ईयर. लीप ईयर्स के केसेस में फेब मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने? 29. अगर किसी फेब मंथ में ईयर कंटेंस फेब मंथ 29 डेज, देन ईयर इज कंसीडर्ड एज लीप ईयर. इज द बेसिक कन्वेंशन फॉर लीप ईयर. लेकिन अगर लॉजिकली बात करें प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में, प्रोग्राम्स के केसेस में किस कन्वेंशंस के बेसिस पर लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल होगा? क्योंकि प्रोग्रामिंग में जब आपके पास कोई भी ईयर वैल्यू अवेलेबल है, सभी ईयर के रिस्पेक्ट में मंथ्स के अंदर नंबर ऑफ डेज मैनुअली असाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, देन इस केस में कन्वेंशंस क्या होंगे? ईयर्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी गिवन ईयर वैल्यू, अगर ईयर नंबर्स के फॉर्म में एंटर किया है, अगर ये ईयर वैल्यू गिवन ईयर वैल्यू 4 से डिवाइड हो रहा है, देन इस केस में ईयर को अभी भी लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल नहीं. मोस्ट ऑफ केस में आपको बोला जाता है अगर कोई भी ईयर वैल्यू 4 से डिवाइड होता है, देन इस ईयर को लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस. इस लीप ईयर का मीनिंग क्या? अगर ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4, देन ईयर नॉट डिविजिबल बाय 100. अगर ईयर वैल्यू 4 से डिवाइड हो रहा है, देन ईयर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. ईयर नॉट डिवाइडेड बाय 100. मींस दीज टू कंडीशंस फॉर लीप ईयर. और थर्ड कंडीशन क्या हुआ? अगर सपोज दैट ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली 4 से भी डिवाइड होगा. अगर 100 से डिवाइड हो रहा है, देन इस ईयर को अभी भी इसको लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल. अगर 100 से डिवाइड होता है, देन ईयर शुड बी डिवाइडेड बाय 400. ईयर शुड बी डिवाइडेड बाय 400. तो लीप ईयर के रिस्पेक्ट में मैंडेटरी कंडीशन क्या है? अगर ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अगर 100 से भी डिवाइड हो रहा है, देन 400 से भी डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल्स लाइक अ सम ईयर लाइक 1998, 1999, 2000, similarly 2001 and so on like that. One more case with respect to multiple of 100 or 400, like कोई year value given है like 1500, 1600, 1700 and 1800. 1900, 2000 and other case 2001, 2002 and so on like that. First case में अगर बात करें, first case में 98 is not divisible by 4. Means जब ये 4 से divide नहीं हो रहा है, इस केस में year को leap year consider करना possible नहीं है. Same as 99 also not divisible by 4. Means इसको भी 4 से divide करना possible नहीं. Means जब 4 से divide करना possible नहीं है, then ना ही ये particular case 100 के लिए टेस्ट करने की जरूरत है, ना ही 400 के लिए. 100 के लिए कब टेस्ट करोगे? 400 के लिए कब टेस्ट करेंगे? अगर ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है. अगर ईयर 100 से डिवाइड हो रहा है, देन 4 से भी डिवाइड होगा. जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन 100 से डिवाइड करने की टेस्ट करने की नीड ही नहीं होगी. देन लेकिन अगर 2000 के केस में बात करें, 2000 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है. 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. मींस दिस वन इज लीप ईयर.
2001 को अगर 4 से डिवाइड करोगे नॉट पॉसिबल, देन अगेन नॉट अपीयर, सेम एज 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, some cases are given 9 and 10, like the and so on. Again, 4 से 2002 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, अगेन नॉट अ लीप ईयर. देन 3 को डिवाइड को 3 को भी 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, देन अगेन क्या आएगा, नॉट अ लीप ईयर. लेकिन 2004 को अगेन 4 से डिवाइड करना पॉसिबल, दैट देयरफॉर इट इज लीप ईयर. नेक्स्ट वन 2005 की केसन लास्ट डेट 5, इसलिए 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, अगेन नॉट अ लीप ईयर. दिस वन इज ऑल्सो, सॉरी, इस केस में डिवीजन किससे टेस्ट हो रहा है, 4 से. अगेन इस केस में 4 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, नॉट अ लीप ईयर, सेम एज नॉट लीप ईयर. लेकिन 2008 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल, इसलिए 2008 अगेन कैसा ईयर है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, देन नॉन लीप ईयर एंड सो ऑन, लाइक दैट. इस केस में ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट क्या है, इसी ईयर लीप ईयर ऑलवेज कितने ईयर बाद रिपीट हो रहा है, आफ्टर 4 ईयर. मीन्स 2000 के केसेस में 2000 कैसा लीप ईयर, लेकिन नेक्स्ट टाइम लीप ईयर कब होगा, 2004. मीन्स 2000 नेक्स्ट वन, 2004 नेक्स्ट वन, 2008 नेक्स्ट वन, समथिंग 2012, लाइक दैट. मीन्स लीप ईयर के केसेस में नंबर ऑफ ईयर का डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, इस केस में डिफरेंस इज 4. इस लीप ईयर ऑकर कब हुआ, ऑलवेज आफ्टर 4 ईयर्स और फोर्थ ईयर सेम एज. लेकिन इस केस में आपका, इस केस में सारे नंबर्स 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है. मीन्स 1500 को, 1600 को, 1700 को, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल है. इस दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. लेकिन इस केस में 4 के साथ साथ सेम नंबर डिवाइड किस हो रहे हैं, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 100. मीन्स अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. 4 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर और प्लस ये नंबर 100 से भी डिवाइड हो रहा है, देन इस पर्टिकुलर केस को डायरेक्टली लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल. चेक क्या करेंगे, ऑल्सो डिवाइडेड बाई 400. अगर 100 से डिवाइड हो रहा है देन इस केस में क्या आएगा, एंड और या तो फर्स्ट केस सेटिस्फाई होना चाहिए या लास्ट केस. लास्ट केस में अगर 1500 को 400 से डिवाइड करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 सबट्रैक्शन क्या आएगा इस केस में, 300. रिमाइंडर क्या, 300. अगर मल्टीपल होता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0. देन इस केस में लीप ईयर कंसीडर करना पॉसिबल, लेकिन 1600 को अगर 400 से डिवाइड कर दें, नेक्स्ट वन टेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1600. 1600 के केस में 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हुआ, क्या आएगा इस केस में, 4 मल्टीप्लाई बाई 16, 4 मल्टीप्लाई 4 इज 1600. मीन्स कंप्लीटली नंबर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या रहा है इस केस में, 0. देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 400. मीन्स 1600 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से भी डिवाइड हो रहा है. अगर 100 से डिवाइड हो रहा है देन 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, जबकि प्रीवियस नंबर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए 1600 को भी कंसिडर करेंगे देन लीप ईयर. अगर आपको 1500 के केस में ईयर चेक करो, इस केस में मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 28. अगर आप 1600 में चेक करो देन मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 29. सेम एज 1700 4 से डिवाइड हो रहा है एज वेल एज 100 से भी डिवाइड हो रहा है, क्यों, लास्ट टू डिजिट्स कैसे हैं, 0. लेकिन 1700 400 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्यों, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 100. देयरफॉर इट इज नॉट अ लीप ईयर, दिस वन इज नॉट लीप ईयर. 1800 भी 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 100 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 400 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 200. देयरफॉर गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर. सेम एज 1900 को 4 से डिवाइड करना पॉसिबल, 100 से डिवाइड करना पॉसिबल, लेकिन 400 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट अ लीप ईयर. नेक्स्ट वन 2000 के रिस्पेक्ट में बात करें, 2000 4 से भी डिवाइड होगा, 100 से भी डिवाइड होगा, प्लस 400 से भी डिवाइड होगा, देयरफॉर इट इज अगेन लीप ईयर, लाइक दैट. इस केस में भी अगर बात करें सेंचुरीज के रिस्पेक्ट में लीप ईयर, मीन्स
इस केस में 100 के मल्टीपल के केस में अगर लीप ईयर कंसीडर करें तो इस केस में भी डिफरेंस क्या है, ऑल्सो समथिंग 4 लाइक दैट। इस टाइप से गिवन कन्वेंशंस के बेसिस पर लीप ईयर फाइंड आउट करना पॉसिबल। लीप ईयर के लिए फाइनली मैंडेटरी कंडीशन क्या है, अगर ईयर 4 से डिवाइड होता है देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा केस क्या है, या तो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉसिबल केस क्या हुआ, और या फिर ईयर कैसा होना चाहिए, ईयर मल्टीपल ऑफ 400। फर्स्ट वन, इसकी इसमें कंडीशन से अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई भी नंबर अवेलेबल है और नंबर के रिस्पेक्ट में चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट। अगर 4 का मल्टीपल चेक करना है देन करंट केस में एक्सप्रेशन पार्ट के नंबर मॉड्यूल बाई 4, अगर नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है देन इट इज कंसिडर्ड मल्टीपल ऑफ 4। सेम एज चेक करना है नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, नॉट मल्टीपल ऑफ 4 के केस में कंडीशन क्या जाए, नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वलेंट नहीं था नंबर कैसा होगा, नॉट अ मल्टीपल। सेम है 100 के रिस्पेक्ट में चेक करना, चेक द गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 100 और नॉट। नॉट के लिए चेक करना देन यूज क्या करें, इस केस में नंबर मॉड्यूल वाई नॉट इक्वल्स टू 100। देन अदर केस क्या है, अगर 100 का मल्टीपल होता है देन इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। पर 4 का मल्टीपल है सेम एज 400, 100 का भी मल्टीपल है देन आप टेस्ट क्या करेंगे, 400 के लिए नंबर मॉड्यूल वाई 400 इक्वल इक्वल 0। दीज आर थ्री कंडीशंस। तो थ्री कंडीशंस के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है देन इसको कंबाइंड किससे करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर से। फर्स्ट केस में कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए एज वेल एज सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होना चाहिए प्लस सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए देन इस केस में दोनों को कंबाइंड किससे करें, लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। और अगर इस केस में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है देन उस केस में सेकेंड कंडीशन क्या टेस्ट करना चाहिए, ईयर शुड बी डिवाइडेड बाई 400। मीन्स इस केस में इन दोनों कंडीशंस को प्लस थर्ड कंडीशन इन दोनों को कंबाइंड किससे करेंगे, नेक्स्ट वन दीज आर कंबाइंड बाई यूजिंग लॉजिकल और ऑपरेटर। मीन्स इस केस में लॉजिक्स क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस वॉइड मैन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओनली सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, मे बी सम नंबर और रीडेबल फॉर्म में इस नंबर के प्लेस पर एज्यूम करेंगे जा वेरिएबल एज ईयर समथिंग ईयर। नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से इनपुट्स किस वेरिएबल के लिए रीड कराएंगे, फॉर वेरिएबल ईयर। ईयर के लिए वेरिएबल्स रीड कराने के लिए सिंपली मैसेज प्रिंट कराएं एंटर ईयर यूजिंग प्रिंटएफ फंक्शंस एंटर ईयर। देन ईयर वैल्यू रीड कराएंगे बाई यूजिंग scanf परसेंट डी। ईयर का टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे जब परसेंट डी। देन scanf फंक्शन में ऑलवेज पास क्या होता है, किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में ऑलवेज एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल एम परसेंट ईयर। नेक्स्ट वन कंडीशंस कौन से सेटिस्फाई करेंगे, गिवन थ्री कंडीशंस। अगर गिवन नंबर वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू 4 से डिवाइड हो रहा है, इफ डिविजिबल बाई 4, 4 का मल्टीपल टेस्ट करने यूज क्या करेंगे, इफ नंबर मॉड्यूलो बाई 4 इक्वल इक्वल 0। अगर नंबर 4 से मल्टीप्लाई 4 का मल्टीपल है देन चेक क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन एंड नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 100 देन इस केस में दोनों ही कंडीशन कंबाइंड किससे होंगे, एंड ऑपरेटर्स। मीन सेकंड केस में कंडीशन क्या है, नंबर और नंबर के केस में वेरिएबल क्या था, ईयर, इसलिए इस प्लेस पर स्पेसिफाई क्या करेंगे, वेरिएबल नेम एज ईयर। नेक्स्ट वन सेकंड कंडीशन क्या है, ईयर नॉट मल्टीपल ऑफ 100, नॉट मल्टीपल टेस्ट करने के लिए यूज किया है नॉट इक्वल ऑपरेट, नॉट इक्वल टू 0। ईयर मॉड्यूलो बाय 100, हियर वी आर यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, ईयर मॉड्यूलो बाय 100 नॉट इक्वल्स टू 0। देन थर्ड कंडीशन क्या है, ईयर शुड बी डिविजिबल बाई 400, मीन्स अगर 4 से डिवाइड हो रहा है देन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मीन्स दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसलिए कंबाइंड किससे कराएंगे, एंड ऑपरेटर से। फर्स्ट वन, सेकेंड केस और के केस में टेस्ट करें, दिस वन इज
मस्ट बाई यूजिंग ऑर ऑपरेटर, या तो ईयर किससे डिवाइड होना चाहिए, ईयर शुड बी मल्टीपल ऑफ 400, देन 400 का मल्टीपल टेस्ट करने के लिए यूज क्या करें, ईयर मॉड्यूल बाई 400 इक्वल इक्वल जीरो, दैट वन। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, फर्स्ट वन एंड और के केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका, एंड का, देन सबसे पहले एंड का फर्स्ट कंडीशन टेस्ट हो, कंडीशन वन कंडीशन टू। अगर एंड के केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू है, देन रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू आया इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है देन और के केस में सेकंड कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। अगर फर्स्ट कंडीशन के बेस पर डिसाइड हो चुका है गिवन ईयर इज स्लीप ईयर, देन 400 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं होगी। बट सपोज दैट अगर ईयर वैल्यू या तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है या फिर 100 से भी डिवाइड हो रहा है, देन उस केस में ईयर कंडीशन कैसा हुआ, फॉल्स, फॉल्स है, देन अगेन एल्स पार्ट। तो टू केस यूज करेंगे, इफ कंडीशंस के अंदर प्रोवाइड क्या करेंगे, सम मैसेज प्रिंट एफ गिवन ईयर इज लीप ईयर। इस अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई किया है, लीप ईयर के रिस्पेक्ट में, देन ईयर इज लीप ईयर, सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा लें गिवन ईयर इज लीप ईयर और एनी अदर मैसेज। नेक्स्ट वन, बट सपोज दैट अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स के रिस्पेक्ट में यूज क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक। जनरली देखा जाए तो इस केस में ओनली सिंगल स्टेटमेंट, इसलिए कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल होगा, नॉट अ कंपल्सरी। नेक्स्ट वन, प्रिंट एफ नॉट लीप ईयर। अगर इस अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा, एल्स ब्लॉक को, देन इसके अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले कराएंगे, गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर और एनी रीडेबल मैसेज लाइक दैट, दिस इज द लॉजिक्स फॉर टेस्टिंग लीप ईयर। इस केस में कुछ ईयर वैल्यू में टेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक सपोज दैट 2000 के रिस्पेक्ट में चेक करें, 2000 कैसा है, लीप ईयर। सपोज दैट अगर ईयर का वैल्यू रन टाइम पर 2000 एंटर किया, देन 2000 को सबसे पहले डिवाइड कैसे कराएंगे, 4 से। फर्स्ट वन 2000 ईयर के प्लेस पर प्लेस क्या करें, 2000 मॉड्यूलो 4 इक्वल इक्वल 0। 2000 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0, मीन्स कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, देन अब टेस्ट क्या हुआ, एंड के अकॉर्डिंग, एंड के केस में रूल क्या था, मीन्स 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। अगर एक फर्स्ट कंडीशन ट्रू देन टेस्ट क्या करें, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी क्या है, ट्रू लाइक दैट, देन सेकंड कंडीशन टेस्ट होगा एंड के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट टाइम टेस्ट करें ईयर, ईयर वैल्यू क्या है, 2000 मॉड्यूलो बाई 100 नॉट इक्वल्स टू 0। 2000 को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ऑल्सो 0, 0 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। इस एंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन ट्रू था लेकिन सेकंड कंडीशन कैसा है, फॉल्स, इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा, एंड एक्सप्रेशन से फॉल्स, एज अ फॉल्स। देन अब टेस्ट करें इस केस में, और के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, देन टेस्ट क्या हुआ, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ईयर क्या है, 2000 को डिवाइड किससे कराएंगे, 2000 मॉड्यूलो वाई 400, 2000 को 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0, देन 0 इक्वल इक्वल 0 इज ट्रू। और के रिस्पेक्ट में सेकंड कंडीशन ट्रू, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, देन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। देयरफॉर इस केस में इफ के बॉडी से क्या डिस्प्ले होगा, मैसेज है लीप ईयर, गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। अगर आप 2000 के अंदर फेव मंथ टेस्ट करो, फेव के अंदर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 29 डेज। सिमिलरली लेकिन अगर इस केस में आप 1900 के लिए अप्लाई करोगे, अगर ईयर का वैल्यू 1900 है, 1900 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1900 100 से भी डिवाइड हो रहा, 100 से डिवाइड हो रहा, देन रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। एंड के रिस्पेक्ट में सेकंड कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्सो फॉल्स, फॉल्स है। देन आप टेस्ट क्या करेंगे, ओ प्रीवियस केस में मिस्टेक किया था, जस्ट इन केस ऑफ 2000 के केसेस में, इस केस में मिस्टेक क्या है, सम 2000 4 से डिवाइड हो रहा है प्लस एंड 100 से डिवाइड करने पर भी डिवाइड हो रहा है, 100 के केस में कंडीशन फॉल्स था, इसलिए टेस्ट किया, नेक्स्ट कंडीशन सही था, करेक्ट है। नेक्स्ट वन कोई मिस्टेक नहीं था। नेक्स्ट वन 1900 के केस में 1900 से 4 भी डिवाइड हो रहा है और 1900 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए एंड के केस में अगेन सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इसे एंड एक्सप्रेशन का टोटल ओवरऑल
रिजल्ट क्या आएगा इस केस में, फॉल्स, फॉल्स ऑफ टेस्ट क्या हुआ, और के केस में 1900 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे, 1900 डिवाइड बाई 400 इक्वल जीरो, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, जीरो इक्वल सॉरी रिमाइंडर इज 300, रिमाइंडर इज 300 इक्वल जीरो, कंडीशन इज फॉल्स। और के केस में सेकंड कंडीशन भी फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, देन एग्जीक्यूट क्या हुआ, एल्स बॉडी, इसलिए डिस्प्ले किया जाएगा नॉट लीप ईयर।